हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी अपना स्मार्टफोन रीसेट या हार्ड रीसेट करना चाह रहे हैं और आपको एक डर सा लगा हुआ है कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी सेव कॉन्टेक्ट हैं, जितने भी मोबाइल नंबर हैं जो सेव हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे रिकवर होगा, कैसे बैकअप कर पाइएगा? तो ऐसे में बहुत से लोग हार्ड रीसेट करने से पहले क्या करते हैं कि वो पेन से एक पेपर या कोई डायरीज में सारे के सारे कॉन्टेक्ट नंबर एक एक करके नोट्स करते हैं। कितने के फोन से कि अचानक से डेड पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो सारे के सारे कॉन्टेक्ट खो जाते हैं, सारे के सारे मोबाइल नंबर्स खो जाते हैं। कितने के स्मार्टफोन हैं कि चोरी हो जाते हैं, कितने के स्मार्टफोन मतलब खो जाते हैं, तो ऐसे में उनका सारे के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, जो भी मोबाइल नंबर्स होते हैं, सब के सब खो जाते हैं और दोबारा वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप सारी कॉन्टेक्ट को, सारी मोबाइल नंबर्स को एक सिंगल पेपर पर एक सिंगल क्लिक के साथ आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी साइबर कैफे या आप अपने खुद के प्रिंटर से उसे प्रिंट कर सकते हैं एक सिंगल पेपर पर एक सिंगल क्लिक के साथ। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। और वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है नीतीश, आप देख रहे हैं नीतीश सीडिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप देख सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। तो चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करते ही आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है सेव कॉन्टेक्ट। इसे टाइप करके आप इसे सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सेव कॉन्टेक्ट सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर ये देखिए आपको मिलेगा सेव कॉन्टेक्ट का ये एप्लीकेशन, जो जिसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसे फिर होम बटन पे करके आप इसे बैक आ जाइएगा और इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का परमिशन मांगेगा आपसे, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका वो जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे आपके मोबाइल नंबर में सारा का सारा लोड हो रहा है और यहाँ पे लोड होके वो आ जाएगा, जो भी कॉन्टेक्ट सेव होंगे आपके मोबाइल में, यानी जो भी नंबर्स होंगे आप यहां देख सकते हैं, जो भी नंबर्स हैं सारा का सारा यहां आपको मिल चुका है। जैसे कि अगर कोई नंबर्स आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे इस तरह से अनमार्क भी कर सकते हैं। तो यह देखिए मार्क का ऑप्शन है ग्रीन कलर का, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ऑलरेडी ये सभी में मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब सभी में मार्क रहेगा, तो कुछ नहीं करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेव का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक फ्लॉपी जैसा ये ऑप्शन मिल रहा है नीचे में ग्रीन कलर का, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही यहाँ इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आपको इसमें देखिए बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं कि कौन से फॉर्मेट में आप इसे सेव करना चाहते हैं, टेक्स्ट, गूगल सीट, PDF, HTML। तो इस तरह से आपको बहुत से फॉर्मेट मिल जाते हैं, 5-6 फॉर्मेट, तो आप जिस फॉर्मेट में करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा। तो मैं इसे टेक्स्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट करने के लिए जैसे ही मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अलाउ का ऑप्शन, यानी कुछ परमिशंस और मांग रहे हैं, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ जैसे ही करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट में ये कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे, अब हम इसे फाइल मैनेजर में जाके ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर में, तो मैं अपने फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। फाइल मैनेजर में आने के बाद डिवाइस स्टोरेज जो आपका इंटरनल होगा ये उसमें आएगा, तो सेव कॉन्टेक्ट के नाम से यहाँ पे एक फाइल बन चुका हुआ होगा, तो उसमें आपको ये सारा का सारा कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे JPG फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, जो भी आप किए हैं। तो अब ये देखिए दो
आपको फाइल में मिल रहा है टेक्स्ट में, ये देखिए जिसे हम ओपन करते हैं तो देखिए HTML का कुछ इस तरह से, तो ये देखिए सारा का सारा इस तरह मिल जाता है। तो आप इसे पेन ड्राइव में या मेमोरीज कार्ड में या आप अपने फ़ोन के जरिए प्रिंटर में जाके या कोई भी साइबर कैफे में जाके आसानी के साथ आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है जिससे आपका सारा का सारा कॉन्टेक्ट सेफ रहेगा और आपके पास ही रहेगा। अगर मेरा ये वीडियोस और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप अपना राय दीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।